हेलो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए गोदरेज कंपनी की सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन 8 kg की। आज हम इसके बारे में बताएंगे, इसमें क्या क्या फीचर हैं, कितनी वारंटी है और कैसे हमें इसको ऑपरेट करना है। तो आइए देखते हैं इसको। लुक में आती है ये, कुछ आपको इस तरह से देखने को मिलेगी। ये देख लीजिए आप, टफन ग्लास के अंदर आती है, ये गोदरेज कंपनी की है। अगर हम मॉडल की अगर बात करते हैं तो ये एज अल्टीमा के नाम से आती है, 8 kg कैपेसिटी के अंदर है। जो इसके ढक्कन रहेंगे ये टफन ग्लास के अंदर रहेंगे और साथ में हाइड्रो सिस्टम है इसके अंदर, जो कि ढक्कन बिल्कुल स्लो मोशन में आएगा इसके अंदर। देखो ड्रायर का ढक्कन इसके अंदर टफन ग्लास का, इसमें हाइड्रो नहीं होता, ये नॉर्मल होता है। इसके हम पैनल की अगर बात करते हैं, पैनल भी पूरा कवर्ड होता है इसके अंदर। देख लीजिए पूरे कवर में ये पूरा कवर रहेगा पैनल इसका। बहुत ही सुपीरियर डिजाइन है ये, बॉर्डरलेस डिजाइन के साथ आती है ये। हम जान लेते हैं इसके टब के बारे में। ये इसका टब रहेगा और हमें साथ में इसके अंदर एसेसरी मिल जाती है, इनलेट पाइप, आउटलेट पाइप, स्पिन कैप और मैनुअल बुक। और हम ये साथ ही इसके अंदर मिल जाता है लिंट फिल्टर, ये कुछ इस तरह का रहेगा। इसको महीने में एक बार खोल के साफ करना होता है। इसमें जो कपड़ों का लिंट होता है वो सारा जाता है इसके अंदर, इसको निकालो, साफ करो और वापसी लगा दो। इसको निकालना और लगाना भी काफ़ी इजी होता है। ये देख लीजिए लगा दिया मैंने। हम अगर पावर की अगर बात करते हैं तो इसकी मोटर 460 वोल्ट के साथ आती है। देख लीजिए, और ये साथ ही मिल जाता है हमारे को ड्रायर। ये देख लीजिए ड्रायर भी काफ़ी बड़ा है इसके अंदर। इसके अगर हम पावर की बात करते हैं तो मोटर की, ये 200 वोल्ट के अंदर आती है, काफ़ी अच्छी वोल्टेज। साथ ही मिल जाता है इसके कंट्रोल पैनल, ये 3 नॉब के अंदर मिलेगा आपको, वॉश टाइमर, वॉश सेलेक्टर, स्पिन टाइमर। इन 3 बटन से इसको ऑपरेट करना होता है। इसके अंदर वॉश सेलेक्टर है स्ट्रॉन्ग व रेगुलर, जो डेली यूज कपड़े हैं रेगुलर, जो बड़े कपड़े हैं ज़्यादा मैले होते हैं उनको हम स्ट्रॉन्ग पे लगा सकते हैं। ये देख लीजिए, फिर नंबर आता है टाइमर का। इसके अंदर टाइमर दिया है टोटल 35 मिनट का, जो कि 15 मिनट का रेगुलर टाइमर रहेगा और 20 मिनट का सोक टाइमिंग होता है, जो एक्टिव सोक के नाम से आता है इसके अंदर। इसमें क्या होता है कि मशीन 1 मिनट चलेगी और 5 मिनट बंद रहेगी, फिर 1 मिनट चलेगी और 5 मिनट बंद रहेगी। जैसे ये 15 पे आ जाएगी तो ये मशीन हमारी रेगुलर चल पड़ेगी। टाइम पूरा होने से पहले इसके अंदर बजर बजेगा, जिससे पता चल जाएगा कि कपड़े हमारे वॉश हो चुके हैं। इसके अंदर बजर सिस्टम भी आता है, इसके अंदर लोगो है बजर का। ड्रेन सेलेक्टर भी इसमें ही दिया है, वॉश सेलेक्टर के अंदर ही। जैसे हम सारे कपड़े वॉश कर लेते हैं तो हमने पानी, गंदा पानी बाहर निकालना है, तो उसको हम जैसे ड्रेन पर करेंगे तो सारा गंदा पानी ड्रेन पाइप से बाहर निकल जाएगा इसके अंदर। इसको हम रेगुलर पे रखेंगे तो पानी इसके अंदर रहेगा। फिर आता स्पिन टाइमर, ये इसका स्पिन टाइमर रहेगा 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 मिनट है इसके अंदर। अपनी ज़रूरत के हिसाब से हम इसको हम लगा सकते हैं। और हम बात करते हैं इसकी स्टार रेटिंग की, तो ये 5-स्टार रेटिंग में आती है। और हम वारंटी की बात करते हैं तो वारंटी 5 ईयर वारंटी ऑन वॉश मोटर। इसका लुक रहेगा, इसको पीछे दिखाते हैं, पीछे से कुछ आपको इस तरह से मिलेगा। ये इसके अंदर ये ड्रेन पाइप है जहाँ से आपका सारा गंदा पानी बाहर निकलता है। यहाँ इसका मॉडल नंबर, सीरियल नंबर, साइज के अंदर मेंशन होता है। ये इसके अंदर मेन लीड रहेगी इसकी, जो हमें सॉकेट में लगाना होता है।
साइड से कुछ आपको इस तरह से मिलेगी देखने को, ये इसका डिज़ाइन रहेगा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो थैंक्स दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।